2018 में क्या होगा, किस ओर जाएगी भारत की राजनीति, क्या 2018 में कांग्रेस मुक्त भारत का बीजेपी जो सपना देख रही है वो उसकी तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर कांग्रेस अपने बचे हुए राज्यों को बचा पाएगी। 2018 में राजनीति उतनी ही दिलचस्प होगी जितना कि 2017 में रही। मिशन 2018 में 8 राज्यों में है चुनाव। इनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्य हैं, वहीं उत्तर पूर्व के 4 राज्य भी हैं। मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में चुनाव होने हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मेघालय और मिजोरम में कांग्रेस है, त्रिपुरा में CPIM की सरकार है, वहीं नागालैंड में डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड की मिली जुली सरकार है। इसमें बीजेपी भी पार्टनर है। कब किस राज्य में चुनाव होंगे ये भी आपको बताते हैं। फरवरी मार्च में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, अप्रैल में कर्नाटक, उसके बाद नवंबर में मिजोरम, फिर आएगा दिसंबर और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होगा चुनावी घमासान। फिलहाल भारत के 29 राज्यों में से 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगियों की सरकारें हैं। 2018 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 3 में कांग्रेस का शासन है। बीजेपी ने इसके लिए तैयारी 2017 से ही शुरू कर दी है। कर्नाटक तो एजेंडे पर है ही, उत्तर पूर्व के राज्यों पर भी बीजेपी पूरी तरह फैल जाना चाहती है। वहीं कांग्रेस अपने बचे खुचे घर तो बचाना चाहेगी ही, साथ ही राजस्थान, MP और छत्तीसगढ़ में वापसी के लिए दम लगाएगी। 2018 में जो नतीजे आएंगे वो 2019 की लोकसभा में क्या हो सकता है बहुत कुछ बता जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आम बजट 2018-19 की तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं। क्या नया होगा इस बजट में, किस नई पॉलिसी को लाया जा सकता है, क्या ये लोक लुभावन होगा या फिर कड़े फैसले लेगी सरकार। इस साल आने वाला बजट इसलिए भी खास होगा क्योंकि मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, क्योंकि 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं और यही बात इसे बहुत महत्वपूर्ण बना सकती है। पिछले महीने 11 दिसंबर को अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ आम बजट 2018-19 के संबंध में चर्चा की थी, उन्हें कुछ सुझाव भी दिए। माना जा रहा है कि आम बजट 2018-19 में लोक लुभावन घोषणाओं पर जोर रहेगा। GST लागू होने के बाद सरकार के पास अप्रत्यक्ष करों यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस के मोर्चे पर बदलाव की ज्यादा गुंजाइश नहीं होगी, इसलिए माना जा रहा है कि इसमें प्रत्यक्ष करों यानी डायरेक्ट टैक्सेस, खासकर आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स की दरें कम की जा सकती है। आने वाले बजट में जनता की सेहत का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के विस्तार की भी घोषणा हो सकती है। इसके तहत मरीजों के सस्ते और अच्छे इलाज का प्रावधान होगा। सामाजिक मोर्चे पर भी नए कदम उठाए जा सकते हैं। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए और विधवा पेंशन की राशि 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की जा सकती है। मनरेगा में मजदूरी भी बढ़ाई जा सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2017-18 के आम बजट में भी कई बदलाव किए थे। साथ ही आम बजट पेश करने की तारीख भी फरवरी के अंतिम दिन से हटाकर फरवरी का पहला दिन कर दी थी। हो सकता है कि आने वाले बजट में भी कुछ बदलाव हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। दिसंबर 2017 को BSE में नया इतिहास बना। सेंसेक्स पहली बार 34,000 के पार पहुंच गया था। इसका जश्न बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में केक काटकर मनाया गया। अब सवाल यह है कि 2018 में कैसा रहेगा शेयर बाजार, किस ओर जाएगी भारतीय अर्थव्यवस्था। खबर तो अच्छी है, वैश्विक स्तर पर आर्थिक मामलों से जुड़ी कई संस्थाएं भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने की तरफ इशारा कर रही हैं। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग को 130 से बढ़ाकर 100 कर दिया है। मूडीज ने भारत की रेटिंग बढ़ाई है। उसके बाद गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि 2018-19 में भारत की GDP 8% को पार कर सकती है। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती रहने का अनुमान जताया है। मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2018 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 30 सबसे बड़ी कंपनियों के इंडेक्स सेंसेक्स का लक्ष्य 35,700 निर्धारित किया है। मॉर्गन स्टैनली ने यह भी कहा है कि हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो सेंसेक्स 41,500 का स्तर भी छू सकता है। यानी रेटिंग एजेंसीज और फाइनेंशियल फर्म्स की माने तो मार्केट के लिए साल 2018 अच्छा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। साल 2018 में भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।
सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च यानी CBER की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 में ब्रिटेन और फ्रांस को पीछे छोड़ देगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि नोटबंदी और GST की वजह से भारत के विकास की गति थोड़ा मंद पड़ी थी, लेकिन इन झटकों से उबरकर भारतीय अर्थव्यवस्था 2018 में फ्रांस और UK से आगे निकल जाएगी और डॉलर के मामले में दोनों को पछाड़कर दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर कुछ असर ब्रेक्सिट का पड़ा है, वहीं अमेरिका फिलहाल नंबर वन पर बरकरार रहेगा। रिपोर्ट में ऊर्जा और तकनीक के सस्ते साधनों की बदौलत वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि का अनुमान भी जताया गया है। 2018 वो साल होगा जब आधार लिंकिंग का काम पूरा हो जाएगा, और अगर आपने सरकारी सेवाओं, पैन, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं कराया है तो एक तारीख याद कर लीजिए, 31 मार्च 2018। 31 मार्च है आधार लिंकिंग की डेडलाइन। आपके पास तकरीबन 3 महीने हैं, जिनके पास आधार नहीं है वो बनवा लें और जिनके पास आधार है वो सारी सेवाओं से उन्हें लिंक करवा लें। पहले ये तारीख 31 दिसंबर 2017 थी, लेकिन अब ये 31 मार्च 2018 है। मोबाइल नंबर को भी आधार से लिंक कराने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 कर दी गई है। पहले ये तारीख 6 फरवरी 2018 थी। एक बात और, जो नए बैंक खाते खोले जा रहे हैं उन्हें आधार से जुड़ने के लिए 6 महीने का वक्त मिलेगा। मान लीजिए आपका अकाउंट 1 फरवरी को खुलता है तो उसे आप अकाउंट खुलने के बाद 6 महीने से पहले जोड़ सकते हैं। बेहतर यही है कि आधार लिंकिंग जल्द से जल्द करवा लें ताकि सारी सुविधाओं का लाभ उठाते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो साल बनेगा जब कंज्यूमर यानी ग्राहक की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दिसंबर में ही केंद्रीय कैबिनेट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल में कई खास बातें हैं। नए कानून के बाद कंज्यूमर अपनी शिकायत ऑनलाइन या फिर अपने घर के पास मौजूद उपभोक्ता अदालत में भी कर सकेगा। नए कानून में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग जैसी ई कॉमर्स कंपनियां भी शामिल होंगी। ऑर्डर या प्रोडक्ट वापसी के अलावा कंपनी के खिलाफ वर्गीय कार्रवाई यानी क्लास एक्शन लिया जा सकता है। इसके अलावा भी कई बातें ग्राहकों के हक में हैं। घटिया प्रोडक्ट की वजह से जान माल का नुकसान होता है तो सामान बनाने वाला और बेचने वाला दोनों जिम्मेदार होंगे। झूठे विज्ञापन पर होगी कार्रवाई। जो सेलिब्रिटीज करोड़ों लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकेंगे। एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का गठन होगा। इस एजेंसी को किसी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनैतिक व्यवसायिक कार्यों में दखल देने का हक होगा। झूठी शिकायत करने वालों पर जुर्माना भी लगेगा। कहा जा रहा है कि ये नया कानून उपभोक्ता अधिकारों में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। 1986 से लागू उपभोक्ता संरक्षण कानून में बदलाव के बाद कंज्यूमर सच में किंग बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का फैसला। दिल्ली में 2018 से लागू होगा BS6 नियम। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण से बुरा हाल है। वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर पर सरकार ने भी चिंता जताई है। दिल्ली में BS6 यानी भारत स्टेज 6 स्तर के वाहन ईंधन की आपूर्ति 1 अप्रैल 2018 से करने का फैसला किया गया है। पहले इस ईंधन की आपूर्ति 1 अप्रैल 2020 से होनी थी। माना जा रहा है कि इस नए स्टैंडर्ड से डीजल कार से हवा में आने वाले पार्टिकुलेट मैटर्स में 82% तक की कमी आ सकती है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि BS6 लेवल के फ्यूल को तैयार करने के लिए ऑयल कंपनियों को काफी खर्च उठाना पड़ेगा। ऐसे में इसका भार कंज्यूमर्स पर पड़ सकता है। जानकारों का मानना है कि सबसे ज्यादा असर छोटी डीजल कारों की कीमत पर पड़ सकता है। उनकी कीमत बढ़ सकती है, ऐसे में छोटी डीजल कार की मांग भी घट सकती है। BS मानक देश का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB तय करता है। देश में चलने वाली हर गाड़ी के लिए इन मानकों पर खरा उतरना जरूरी है। उम्मीद है कि दिल्ली में BS6 लागू होने के बाद दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना लूनर प्रोजेक्ट चंद्रयान 2 के जरिए एक एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होने के लिए तैयार है। 4 साल बाद कोई देश चंद्रयान 2 के तहत चांद पर अपना कदम रखेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 2018 की पहली तिमाही में चंद्रयान 2 मिशन के शुभारंभ करने का फैसला किया है। वैज्ञानिक चांद पर लैंडिंग का प्रयास करेंगे। इस मिशन को चांद की सतह जांच और उसे बेहतर से समझने के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है।
इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वाहन GSLV MK2 का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें भारत में निर्मित एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर भी शामिल होंगे। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 2 के तहत लैंडर चांद की एक विशिष्ट जगह पर रोवर को तैनात करेगा, जिससे चांद की सतह पर मौजूद खनिज के साथ सतह की भी पूरी जानकारी हासिल की जा सके। हम आपको बता दें कि इससे पहले साल 2013 में चीन ने चांद पर कदम रखा था। चीन के मानव रहित यूटो रोवर ने करीब एक महीने तक चांद पर चलने का प्रयास किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सावधान, बेकाबू चीनी स्पेस स्टेशन धरती पर गिरने वाला है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA ने संभावना जताई है कि 8.5 टन का एक चीनी स्पेस स्टेशन धरती पर गिर सकता है। कहा जा रहा है कि चीन का पहला स्पेस स्टेशन टियांगोंग 1 सितंबर 2016 से नियंत्रण से बाहर है। एक बड़े अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना के उद्देश्य से ये स्पेसक्राफ्ट 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब संभावना जताई जा रही है कि ये क्रैश हो सकता है। इस बेकाबू स्पेसक्राफ्ट के गिरने का खतरा जिन देशों पर ज्यादा है, उनमें स्पेन, इटली, तुर्की और अमेरिका के कुछ हिस्से शुमार हैं। हालांकि क्राफ्ट का ज्यादातर हिस्सा वातावरण में ही जल जाएगा, लेकिन इसके छोटे टुकड़े पृथ्वी पर भी गिर सकते हैं। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि एक नज़र आसमान की तरफ रखी जाए, क्या पता चीनी स्पेस स्टेशन का कोई हिस्सा आपके ऊपर गिर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमेरिका ने कोशिश की कि यरूशलम को इसराइल की राजधानी घोषित कर दिया जाए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके खिलाफ 128 देशों ने वोटिंग कर दी। सिर्फ 8 देशों ने अमेरिका का समर्थन किया, 35 देश वोटिंग से अलग रहे। भारत ने भी इसके खिलाफ वोट किया। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका हाल ही में अपने खिलाफ हुई वोटिंग को लेकर परेशान है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने इसी के चलते UN के बजट में भारी कटौती की है। UN में अमेरिकी राजदूत निकी हेली ने कहा कि 2018 के लिए UN के बजट में अमेरिका $285 मिलियन की कटौती करेगा। ट्रंप सरकार 2018 में UN में क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम की फंडिंग को खत्म कर सकती है। UN में कुल बजट का अमेरिका 22% फंड करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। में होगी रॉयल वेडिंग। ब्रिटेन के राजकुमार हैरी 19 मई को अपनी मंगेतर मेगन मार्केल के साथ शादी करेंगे। कैंसिंगटन पैलेस ने इस बात की घोषणा कर दी है। ब्रिटिश राज सिंहासन के लिए 5वें नंबर पर आने वाले प्रिंस हैरी 33 साल के हैं और मेगन 36 साल की हैं। एक मित्र ने उन दोनों के बीच ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई थी। मेगन अमेरिकी एक्ट्रेस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।